आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह के सभी आगमन के विषय में आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। परमेश्वर के वचनों के आधार पर आप सभी को बताया जाएगा कि यीशु मसीह के कितने आगमन हैं और कैसे और कब हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से प्रजा नाश हो रही है। ये सभी वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि लोगों की कन्फ्यूजन मिट जाए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में, और वो दुविधा से निकलकर उजियाले में आ जाए। तो आइए अब हम वचन में चलते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे यीशु के पहले आगमन के बारे में, जैसा कि लिखा है यशाया 7:14 में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए की गई थी बाबा यशाया नबी के द्वारा, और लिखा है यशाया 9:6-7 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, जिसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगति पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। और लिखा है मत्ती 1:18-23 में, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके घर में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी 9:22 में, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और लिखा है कि एक पवित्र कुर्बानी पूरे जगत के पापों के लिए दे दी गई है, जिससे जगत का उद्धार हो, जैसे कि लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अब हम जानेंगे कि दूसरा आगमन क्या है। ये तो पहला आगमन था, और दूसरा आगमन कैसे होगा। दूसरा आगमन परमेश्वर की एक वाचा भी है और यीशु मसीह का अपने लोगों के साथ एक वायदा भी है, जैसा कि लिखा है यूहन्ना 14:1-3 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। ये बातें प्रभु अपने विश्वासी और विश्वास करने वालों से कह रहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मैं एक बार इस वचन को फिर से पढ़ देता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मतलब यीशु मसीह हमें खुद वापस लेने आएंगे। ये सिर्फ रैप्चर मतलब उठा लिया जाना ही नहीं होगा, बल्कि यीशु मसीह का आना भी होगा, जिसमें यीशु मसीह हमें स्वयं लेने आएंगे और हमें अपने घर में लेकर जाएंगे, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में घर तैयार किया गया है, और हमें अपने पिता के घर में जो स्थान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग में तैयार किया गया था, हमें यहाँ से वहां ले जाकर रहें, कि अनंत काल तक हम सभी पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ सर्वदा वास करें। तो जब यीशु मसीह आएंगे तो कैसे आएंगे और उस समय क्या क्या घटनाएं घटेंगी, तो अब हम उन चिन्हों को जानेंगे, जैसा कि लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और लिखा है 1 कुरिन्थियों 15:52-55, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मतलब जो मुर्दे वो अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, जो कभी मर नहीं सकते, एक महिमा की देह कह सकते हैं हम उस बात को, उस शब्द को, महिमा की देह पहनाई जाएगी इनको, जो कभी मर नहीं सकती, अजर मिराज है जो, और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान दे अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले, और जब यह नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन पूरा होगा
जो कि लिखा है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। और लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 आयत में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मतलब जो मुर्दे उठे जी उठेंगे वो भी महिमा की देह पहनेंगे, और जो जीवित है जो बचे रहेंगे जो यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं वो भी महिमा की देह पहनकर यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ और पिता के साथ उस घर में रहें जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए तैयार किया है। कि और फिर उसके बाद लिखा है कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:7 आयत में, देखो, मतलब देखने का काम हो रहा है, देखने की बात हो रही है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। इस बात में आप क्लियर हो चुका है कि हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुलों के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। और हर एक आंख का मतलब है कि धरती और अधोलोक के वे सभी जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे। जैसा कि उस धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में लिखा है कि वो धनवान व्यक्ति अधलोक में से अपनी आंखें उठाकर स्वर्गलोक में पिता अब्राहम की गोद में उस निर्धन लाजर को अपनी आंख से देखकर कहता है कि जैसा कि लिखा है लूका 16:21-26 आयत में, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, ये मतलब लाजर के बारे में बात हो रही है, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, ये मतलब लाजर है, इसका कंगाल का नाम लाजर था, ये मर गया था, और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। ये वही देखना है जैसा यीशु के आगमन के विषय में बताया गया है, मतलब हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे ये मतलब यीशु को भेजा था सताया था वो भी उसको देखेंगे, ऐसा बताया गया कि हर एक आंख उसको देखेगी। हर एक आंख का मतलब यही है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और सारे कुलों के लोग छाती पीटेंगे। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। ध्यान रखना, आत्मा और प्राण की उंगली भी होती है, आंखें भी होती है, शरीर भी होता है, इंसान महसूस भी कर सकता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर यही दिखाया गया है कि यहाँ पर उस जो धनवान व्यक्ति था उसने लाजर को देखा उसी आंखों से, और लाजर से कहा कि वो अपनी उंगली को भिगोए, मतलब एक उंगली भी है एक आत्मा की और प्राण की, कि वो और वो सहन भी कर रहा है कि वो उस ज्वाला में तड़प रहा था, जबी तो उसने कहा कि अपनी उंगली को पानी में डुबो कर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तुएं ले चुका है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू वहां तड़प रहा है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा है ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकेगा, और या कोई जो कोई वहां से इस पार आना चाहे वो ना आ सकेगा। और लिखा है मत्ती 24:30 आयत में, तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। और ये छाती पीटने का कारण क्या है, इसका मतलब एक बहुत बड़ी गलती का बहुत बड़ा अफसोस और शोक करना और एक मानसिक दुख। छाती पीटने का मतलब यही है, इस बात का ध्यान रखना, ये कोई खुशी वाली बात नहीं है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन गुप्त होगा या तो फिर सिर्फ कलीसिया का उठा लिया जाना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे दूसरा आगमन नहीं कहते, क्योंकि आगमन का मतलब होता है कि आना, और लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी, मतलब यीशु आएगा जभी तो उसको देखेगी, और जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और छाती पीटेंगे। तो ये गुप्त कहां से हुआ? अगर ये गुप्त आगमन है तो बिना देखे कौन किसके लिए छाती पीटेगा? ये कोई गुप्त आगमन नहीं है, जैसा कि लिखा है मत्ती 24:30 आयत में, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, मतलब दिखाई देगा, आंखों से दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। देखने की बात हो रही है, देखेंगे। और लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:7 आयत में, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, मतलब देखने की बात हो रही है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुलों के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। और कोई कहता है कि यीशु चोर की नहीं आएगा, बिल्कुल सही,
बिल्कुल, यीशु चोर की नहीं तो उनके लिए आएगा जो कहते हैं कि कोई यीशु दोबारा नहीं आएगा, या कोई कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, या कुछ लोग कहते हैं कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही कभी आगे होगा, और कुछ कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते, और ऐसा भी कहा जाता है कि यीशु मसीह आ चुका है, वो किसी दूसरे रूप में आया है, या कोई कहता है कि यीशु मसीह अभी नहीं आएगा, अभी बहुत समय बाकी है। इसको सीधी बात में कहा जाए तो जो यीशु मसीह के आने के विषय में सावधान नहीं है, या जो लापरवाही करता है या टालता है, चाहे वो मसीह हो या अन्य जाति हो, वचन सबके लिए एक सा है, जैसा कि लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5:3-6 में। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, मतलब सब कुछ ठीक है और कुछ भी भय नहीं, मतलब कोई परेशानी नहीं, कोई डर नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। विनाश का मतलब जब सब लोग उठा लिए जाएंगे, यीशु मसीह दोबारा आकर अपने लोगों को लेकर जाएगा, तो फिर उसके बाद विनाश ही विनाश है। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किस रीति से बचेंगे? पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वे दिन तुम पर चोर की नहीं आ पड़े। मतलब इस विषय में हम सावधान और जागृत है, हम अंधकार के नहीं है, हम ज्योति में है, मतलब जागृत है, और यीशु मसीह के दोबारा आने की बाट भी जोते हैं, और इस सच्चाई को हम नहीं टालते, और ना ही हम यीशु के आगमन में अविश्वास दिखाते, बल्कि यीशु के दोबारा आने की बाट जोते और जागृत रहते हैं, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसीलिए हम औरों के नहीं सोते ना रहे, पर जागते रहे और सावधान रहे। और लिखा है मत्ती 24:42-44 में, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध, मतलब चोरी नहीं होने देता, सेंध नहीं लगने देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मतलब जो यीशु मसीह के आने के विषय में जागृत है, तो उनके लिए वो चोर के समान नहीं आएगा, बल्कि उनके लिए आएगा जो इस विषय में सावधान और जागृत नहीं है। और जो जागृत है वे उन अंत के दिनों की भविष्यवाणियों और चिन्हों और पदों को समझकर जान जाएंगे, और यीशु के दूसरे आगमन के विषय में सावधान रहेंगे, ताकि जब यीशु आए तो उन पद चिन्हों को जांच परख कर जागृत रहें और प्रभु के साथ उठा लिए जाएं और सर्वदा प्रभु के साथ रहें। तो हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के तीसरे आगमन के विषय में, जो यीशु के दूसरे आगमन और कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा। तो उसके तुरंत बाद 7 वर्ष का महाकलेश का समय शुरू हो जाएगा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन और कलीसिया को आप अपने साथ उठाकर बादलों पर ले जाएगा। उठाने के बाद स्वर्ग में उन 7 मोहरों को खोला जाना, और फिर उसके बाद 7 साल के बीच में परमेश्वर अपने 2 गवाहों को भेजेगा, और जो लोग बाबा एलिया और बाबा मूसा की गवाही के द्वारा यीशु पर विश्वास करेंगे, वे सभी लोग 144,000 लोग और परमेश्वर के पास एकाएक उठा लिए जाएंगे, जैसा कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 12:5 में। और वह बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया, पहुंचा दिया गया। ये जो लोहे का राजदंड है, ये वही 144,000 लोग हैं जो उन 2 गवाहों की गवाहियों पर विश्वास करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा है और एकाएक परमेश्वर के पास उठा लिए गए, जैसा हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 14:1 में। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ वही 144,000 जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और फिर अंतिम विपत्ति 7 कटोरे का उड़ेला जाना होगा, और लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 2:8-9 में, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। ये कौन सा आगमन? ये तीसरा आगमन है, इस विषय में हम आगे पढ़ेंगे। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और लोगों को प्रतिष्ठा देगा, जिसके साथ एक याजक भी रहेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि पहला पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र, मतलब एंटीक्राइस्ट, और एक झूठा भविष्यवक्ता जिसे याजक कहा गया है, जो मंदिर को बनवाएगा और बाद में लोगों को सताएगा, जैसा कि लिखा है जकर्या 6:13 में। वही यहोवा के मंदिर को बनवाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा, और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा। जो मंदिर को बनवाएगा वो एंटीक्राइस्ट, जिसे कह सकते हैं पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र कहते हैं, और जो याजक होगा वो एक झूठा भविष्यवक्ता है, जो उसके साथ सम्मति करेगा, जो उसकी मदद करेगा ये सब कार्य करने में, और दोनों के बीच में मेल की सम्मति होगी। फिर दूर दूर के लोग आ आकर यहोवा के मंदिर को बनाने में सहायता करेंगे, और वे उस परमेश्वर के पवित्र मंदिर में अपना सिंहासन लगाएगा, जैसे कि लिखा है मत्ती 24:15 में। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पड़े वह समझे। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं 2 थिस्सलुनीकियों 2:8 में, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। इसमें आगमन की बात होगी, तो ये तीसरा आगमन है।
तो ये कौन सा आगमन है? फिर से बताते हैं, ये तीसरा आगमन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह उस एंटीक्राइस्ट को और उस झूठे भविष्यद्वक्ता को खत्म करेगा और आग और गंधक की जीत में डालेगा। अब ये है प्रभु यीशु मसीह का तीसरा आगमन, जैसा कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11 से लेकर 21वें आयत में। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। ये सभी बातें प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है। मतलब स्वर्ग की सेना भी है, इस बात का ध्यान रखना, यीशु मसीह के पीछे। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। ये लोहे का राजदंड वही है 144,000 लोग जो एकाएक परमेश्वर के पास उठा लिए गए, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का मांस और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार, मतलब प्रभु यीशु मसीह के सामने, उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया। किसको भरमाया? राजाओं और सरदारों को और शक्तिमान पुरुषों को, स्वतंत्रों को और दासों को और छोटे बड़े सबको भरमाया था जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु की तलवार से जो उसके मुख से निकलती थी, मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। तो ये है प्रभु यीशु मसीह का तीसरा आगमन। तो अब आपको प्रभु यीशु मसीह के तीनों आगमनों के बारे में जानकारी मिल ही गई होगी, और अगर आपको प्रकाशित वाक्य के बारे में और भी गहराई से जानना है और गहरे गहरे भेद जानने हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें, और अंत के दिनों के विषय में बहुत सी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिससे आपको बहुत सी बातें सीखने और समझने के लिए मिलेंगी, और प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मिक आंखें खोले और अपने दूसरे आगमन और उठा लिए जाने के लिए हम सभी को तैयार करें। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।